करनाल के दौरे पर थे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव से पहले ही डर चुके हैं। इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भाग रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के हर नेता के ऊपर दाग है, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। करनाल उपचुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हाईकोर्ट कहेगी वो उन्हें मान्य होगा। और बड़ा बयान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया है, घमंडिया गठबंधन कह के पुकारा है इंडिया गठबंधन के नेताओं को, और उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। करनाल उपचुनाव को लेकर बैठक थी, विधानसभा का उपचुनाव उसे लेकर भी, और लोकसभा का जो चुनाव है उसे लेकर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। कोर कमेटी की बैठक की गई और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, जिसपे नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस डर चुकी है चुनावों से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी आवश्यकता है, 6 महीने से ज्यादा का समय है और 6 महीने तक कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो उस जिम्मेवारी के ऊपर हमें उस पद के ऊपर जाना। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है, कांग्रेस की अभी तक लिस्ट भी नहीं है भाई, कैसे क्या समझते हैं आप? आपके और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं किया है, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, पार्टियां तो सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी जी, परंतु कहीं ना कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे को ऊपर डालें और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे, वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है, ये यही तो भय इन लोगों। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। घोषणा पत्र के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं बीजेपी ने, ये जानकारी ओम प्रकाश धनखड़ ने दी। चुनावी घोषणा पत्र में आम आदमी के सुझावों को शामिल किया गया है और 4 अप्रैल को फिर से बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो राष्ट्रीय चुनाव घोषणा समिति के सदस्य बने हैं, जिस पर उन्होंने आगे जानकारी दी कि उधार के उम्मीदवारों के जो आरोप लगे हैं बीजेपी पर, उस पर भी धनखड़ ने कहा कि तंवर और जिंदल को छोड़कर बाकी सभी हमारे पुराने साथी हैं, भ्रष्टाचारियों की बीजेपी में कोई जगह नहीं है। तो ओम प्रकाश धनखड़ का ये बड़ा बयान सामने आया। राष्ट्रीय चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं ओम प्रकाश धनखड़, जहां उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर आम आदमी के सुझावों पर जो है तैयार किया जाएगा बीजेपी का घोषणा पत्र। और इसके अलावा जो बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए उन्हें ही बीजेपी ने चुनावी मैदान पे उतार दिया, उसको लेकर भी ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान दिया है। देखिए, हमने बहुत व्यापक स्तर पर जनता में से इसमें राय ली है, हमारे 916 वीडियो में निकले हैं, 3002 विधानसभाओं में घूमकर आए, लगभग आधे से अधिक देश में 37,000 लोगों ने बहुत कॉन्क्रीट सुझाव दिए हैं जिनका अध्ययन हो रहा है। इसके साथ साथ जो है 377,000 लोगों ने मिस कॉल की जिस पर हमने सुझाव मांगे हैं, और 167,000 लोगों ने नमो ऐप पर सुझाव दिए। कल हमारी 27 सदस्यीय कमेटी ठाकुर राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में बैठी थी और सबने अपनी अपनी बात कही है। कैटेगराइजेशन हुआ है, किसान के लिए क्या है, युवा के लिए क्या है, गरीब के लिए क्या है, महिला के लिए क्या है, एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, व्यापारी के लिए क्या है, समाज के हर वर्ग की जो है उसमें चर्चा हुई है। उसके साथ साथ सेक्शंस की चर्चा भी हुई है, चिकित्सा क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के लिए, तो एक व्यापक चर्चा 3-4 घंटे की मैराथन बैठक में ये सब चला है और फिर से एक बार बैठने वाले हैं। जब इसका फाइनल स्वरूप आ जाएगा तो फिर इस पर आगे बढ़ेंगे।
कहीं जो घोषणा पत्र का नाम, जो संकल्प पत्र रखा था आपकी बार, उसको मोदी की गारंटी कुछ इस तरह का नाम दिया जा रहा है? कल कोई ऐसा विषय तो तय नहीं हुआ, जब भी नाम रखेंगे तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे कि इस बार इस रूप में जो है घोषणा पत्र आ रहा है। धनखड़ जी, हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें से कांग्रेस वाले भी आरोप लगा रहे हैं और भाजपा के भी कार्यकर्ता जो है वो दबी आवाज में कहते हैं कि 6 जो कैंडिडेट हैं वो बाहर से उधार लेने पड़े। इतनी पुरानी पार्टी है तो क्या 6-10 कैंडिडेट तक तैयार नहीं कर पाए चुनाव के लिए? बंतो जी, कौन सी पार्टी के? मेरी पार्टी की बचपन से कार्यकर्ता है, जिस दिन शादी होकर आई उस दिन से कार्यकर्ता बात कर रहा हूँ। मनोहर लाल जी किस पार्टी के हैं? मेरी पार्टी के जो है संघ के संक्षिप्त प्रचारक के नाते से हैं। मोहन लाल जी मेरी पार्टी के महामंत्री हैं, वर्षों से कार्यकर्ता हैं। अरविंद शर्मा पिछली बार भी हमारी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे, कमल के फूल पर सांसद बने थे, वही कैंडिडेट हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी 2013 से बीजेपी में, कमल के चिन्ह पर 2 बार बने हैं, मंत्री हैं, वो भी मेरी पार्टी। कृष्ण पाल गुर्जर जी हमारी पार्टी के हैं। आप भिवानी धर्मवीर जी आ जाइए, 2 बार से हमारे सांसद हैं कमल के फूल पर। आप जो चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, 5 साल से हमारी सरकार में साझे में चले हुए थे, कैसे नए कह सकते हो? आप तवर जी को नया कह सकते हो, नवीन को नया कह सकते हो। और 25% का बदलाव तो संविधान भी कहता है बीजेपी का कि कार्यकारिणी में 25% नए लोग जोड़ो, तो कोई बहुत बड़ा वो बदलाव नहीं है, मामूली से 2 लोगों को नया जोड़ा गया है और सब पार्टी के पुराने लड़े हुए। और अब बात करेंगे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बारे में। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी ताल ठोकी है, उन्होंने कहा कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी में दम है तो मैदान में आ जाए, हाईकमान का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, ये कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को टूटने की एक नई वजह बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोहतक की सीट छोड़ना चाहती थी, बीजेपी ने जेजेपी को कह दिया था कि रोहतक से लड़ो, जेजेपी ने रोहतक का नाम सुनकर गठबंधन ही छोड़ दिया। तो ये बड़ी बात कही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उन्होंने चुनावी ताल भी ठोकी है। कहा है कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी की चुनौती दी कि अगर दम है तो मैदान में आ जाए। हम घोषणा अपनी सही समय पे करेंगे और सही उम्मीदवार आएंगे। इस तरीके से कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं जी, मैं पिछले 6 महीने से मैं कह रहा हूँ भाजपा आ जाए मैदान में, मैं लड़ूंगा चुनाव, रोहतक से हाईकमांड का आशीर्वाद मिलेगा मुझे विश्वास है और मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा, लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा। और ये तो बीजेपी और जेजेपी वाले हैं, आपने देख लिया दुष्यंत चौटाला का बयान, बीजेपी ने कहा कि हम रोहतक की सीट ही छोड़ते हैं, उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था, उन्होंने हम सीट ही छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने कहा कि रोहतक का नाम सुन के हम अलायंस ही छोड़ते हैं। तो ये तो अपना बीजेपी जेजेपी के लिए छोड़ रही है, जेजेपी ये भाग रहे हैं, ये तो ये भाग रहे हैं। हम तो मैं ताल ठोके कह रहा हूँ, आप कह रहे, आप जो है कह रहे कि कोई, वो कह रहे हैं कि कोई नेता चुनाव लड़ने का, मैं ताल ठोके कह रहा हूँ पिछले एक साल, मैं एक साल छोड़ो, मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ मैं दोबारा आऊँगा चुनावी रण में, मैं तो एक दिन भी नहीं कहा कि मैं चुनावी रण में नहीं हूँ। तो जो है हाँ, ये ज़रूर है कि उनके आकलन में मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन आप भी अपना आकलन लगाओ, हम भी हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी कमेंट सर, जो लोग आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है।